डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे डॉप्लर वेदर रडार की, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये टॉपिक आखिर चर्चा में क्यों है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय पूरे देश को डॉप्लर वेदर रडार नेटवर्क से 2025 तक कवर करने की तैयारी कर रहा है। यह नेटवर्क चरम मौसम की घटनाओं से संबंधित अधिक सटीक पूर्वानुमानों के लिए स्थापित किया जा रहा है। चलिए जानते हैं डॉप्लर वेदर रडार यानी DWR क्या है। डॉप्लर वेदर रडार एक रडार है जो डॉप्लर सिद्धांत पर काम करता है। इसे एक पैराबोलिक डिश एंटीना और एक फोम सैंडविच स्फेरिकल रेडोम का उपयोग करके डिजाइन किया गया है। इसमें वर्षा की तीव्रता, विंड शियर और वेग को मापने के लिए उपकरण होते हैं। यह तूफान केंद्र और बवंडर की दिशा का पता लगाता है। इसका मुख्य लक्ष्य लंबी दूरी के मौसम पूर्वानुमान करना और निगरानी सटीकता में सुधार करना है। चलिए समझते हैं रडार के बारे में। रडार का पूरा नाम रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग है। यह एक ऐसा उपकरण है जो माइक्रोवेव क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग करके स्थान, ऊंचाई और तीव्रता आदि का पता लगाता है। इससे अधिक दूरी की वस्तु की स्थिति का सही पता लगाया जा सकता है। जबकि डॉप्लर रडार एक विशेष रडार है जो वस्तुओं के बारे में डेटा पता करने के लिए डॉप्लर प्रभाव का उपयोग करता है। ये लक्ष्यों की गति के साथ साथ उनकी स्थिति के बारे में भी जानकारी प्रदान कर सकता है। चलिए आखिर में यह भी समझ लेते हैं कि डॉप्लर प्रभाव दरअसल क्या है। ये सिद्धांत 1842 में ऑस्ट्रियाई भौतिक विज्ञानी क्रिश्चियन डॉप्लर ने दिया था। इसके मुताबिक जब स्रोत और संकेत एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं तो पर्यवेक्षक द्वारा देखी या सुनी जाने वाली आवृत्ति में परिवर्तन होता है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे पास आती हुई ट्रेन के हॉर्न की आवाज बढ़ती जाती है जबकि दूर जाती हुई ट्रेन के हॉर्न की आवाज कम होती जाती है। इस प्रभाव का उपयोग तारों तथा आकाशीय पिंडों की गति का अनुमान लगाने, ट्रैफिक पुलिस वाहनों की गति का पता लगाने या बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई जहाज की गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। चलिए वक्त हो चला है आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो अभ्यास प्रश्न है, डॉप्लर प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, ये 1842 में ऑस्ट्रियाई भौतिक विज्ञानी क्रिश्चियन डॉप्लर ने दिया था। कथन दो है, इसका प्रयोग उड़ते हुए हवाई जहाज की गति का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।